भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज हो रहा है। हमें तो संत आश्रम बापू के आश्रम में जहाँ पे आज इच्छा नवमी को त्योहार मनाया जा रहा है बड़े उत्साह के संगे। हम सीधे ही कार्यक्रम से आपके जोड़ रहे हैं और आप देख रहे हमारे पीछे देख रहे हैं क्या कहते हैं, देखो पूजा हो रहा हो, आंवला के नीचे भोजन हो रहा। आज के दिन विशेष महत्व होता है कि इच्छा नवमी के दिन आंवला की पूजा होते विशेष, और पूजा के संगे विधि विधान से उसके परिक्रमा के बाद फिर आंवला के नीचे खावे को भी विशेष महत्व मानोगे। तो आप जो देख रहे हैं कि आंवला के नीचे देखो माता बहन जो पूजा कर रही, पूजन पाठ परिक्रमा करवे के बाद फिर जो विधि विधान के संगे पूजा होवे के बाद फिर आंवला के नीचे भोजन भी करें। और इच्छा नवमी जैसे कहा लगा कि आंवला नवमी है और इच्छा भी आदमी की आज जो आंवला के नीचे बैठ के आदमी मांग लेते हैं वे पूरी होती है ऐसा मानो जाते हैं। तो देखो जो दीपदान को भी आज विशेष महत्व तो मानो गो है, इसके नीचे आंवला के नीचे बैठ के दीपदान करवो, पूजन करवो, कथा करवो, जो सब पूरे विधि विधान से चल रहा भैया। तो जो इसके अलावा हम आपके दिखा रहे हैं कि जो अलग अलग आंवला लगे हैं तब आंवला के नीचे बैठ के भोजन करने को जो महत्व है। तो देखो सेठ जी भी लगे हैं लोचिंग कुछ है बढ़िया, पापा है संगे और मुस्कुराते संगे दिख जा रहे हैं बढ़िया। तो जो आप देख रहे हैं पूरे सब जने बैठे हैं तब, और जो ऐसा पहली बार थे भाव जो कार्यक्रम के आंवला के पेड़ दो तीन साल पहले लगाए गए थे और पर्याप्त बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अब तब आदमी बढ़िया इस साल तब इच्छा नवमी को पर्व मना के और भोजन हो रहा। डब्बू महाराज भी लगे 18 लोचिंग को चक गए बेलो चल रहा बेलो, पंटी भाई भी लगे, तो सब जने लगे हैं। और जो अपनो संस्कृति जो बुंदेलखंड की लोक संस्कृति है भारतीय संस्कृति इसमें अलग महत्व है, और ऐसे जो पारिवारिक सामंजस्य समन्वय और स्तन की मजबूती ऐसे सब प्रबंध से आते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि जो शानदार तरीके से बढ़िया तो फिर सब जने भोजन पा रहे और भोजन करके आत्मा भी तृप्त हो रही। तो जो हम बता रहे हैं कि तो संत आश्रम अबू का आश्रम है, आप देख सकते हो अपने आप में पूरा आश्रम अपने आप में अलौकिक प्राकृतिक वातावरण से फिर देखिए अपन के मिल सकते हैं पूरा। कल्लू भाई लगे हैं पानी की व्यवस्था कर रहे, सड़क लेकर घूम रहे, और ये कई परिवार आज एक साथ आए हैं समूह में, परिवार के संगे लोग बच्चा अपने के आए हैं। तो माता बहनों सबको आज भोजन नहीं बनो है बन रहो खबरों है। तो अपने आप में जो है कि बुंदेलखंड की लोक संस्कृति जो अकेले केवल इतने नहीं, छतरपुर में जहाँ जहाँ आंवला के पेड़ होरी के पेड़ चाहे भगवता की बात कर ले, मोटे के महावीर मंदिर में कर ले, बाराज मंदिर, फूलादेवी मंदिर, हर मंदिर में हर आंवला की होरी के नीचे जो सब ऐसे चल रहा है। तो आप भी सब जने अपना अपना भोजन कर जा रहे हैं, भोजन के बाद जो थाली अपनी खुद धोबे जा रहे हैं, एक सेवा है आश्रम में चूँकि है सब जने, तो आश्रम का ऐसा नियम है कि भैया अपने बर्तन खुद ही साफ करने, तो जो उस चीज़ के कर रहे हैं। और कल्लू भाई तो लगे हैं तो पूरी सुबह से हमने बेल बाल के और कल्लू सेख साख लें। तो जो है भैया जो तो बाराज मंदिर के पीछे का है, और पहले से जिन लोगों की सूचना नहीं हो पाई थी जिन्हें हो गई थी, तो लगे हम बता रहे कि भाई पूजन चल रहा विधि विधान से, तीन पीढ़ी एक संगे बैठ के तो पूजन आंवला को नीचे बैठ के कर रही हैं, और जो भोजन भी कर रहे बच्चा खासकर उत्साह देते पे हम आपके लिबास चले होते पे जो आज साझा चूल्हा टाइप को जैसे कह सकें कि जो ऐसा चल रहा है तबे कि खुद महिलाएं भोजन बनानी अपने परिवार के लाना, और फिर सब लोग समूह के रूप में इतने भोजन भी कर रहे हैं आगे। तो आप जो देख सकते हैं हम लिबास चल रहे हैं आपके जहाँ भोजन बन रहा हो, भोजन तैयार हो रहा, पूरी सेक रही कमलेश भाई हैं लगे हैं सुबह से लचिंग केक सेंक में, और ये बता रहे हैं कि 11 बजे सवेरे तक कौन इतनी तैयारी ना थी, कौन व्यवस्था ना थी, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा योजना बनी कार्यक्रम बनो, और जो देखो लचिंग इतने मिल नहीं सुबह से, बिल्कुल सुबह से भूखी प्यासी जी सब जने माता बहनें जुटी हैं लोचिंग बेल भी भैया, और लगी है जो लोचिंग बेल पर बन रही बिल्कुल, इतनी मेहनत पूरी हो रही सुबह से, और पूरी के संगे संगे सिकाई भी हो रही, पूरी तो सेक रही हैं। एक हम कमलेश भाई साहब पूछ ले रहे कैसो का आज जो आप बता रहे थे भाई साहब, बता रहे थे कि सुबह तक कौन योजना ना आती ऐसी फिर कैसे जब उनको कार्यक्रम पूरा। हम तो भी अपने आश्रम आओगे साधना के लाने, हाँ जैसे ही हम आए हाँ और आपस में कर रही थी चर्चा के बनाने के नहीं बनाने, बनाने के नहीं बनाने, स्वामी ने कहीं बनाने तो पहले बता दी थी, तो हमारे बना के रख दी थी, आप लोग खा ली थी, तो फटाफट नौरान ने पैसा कलेक्शन करके सब्जी मंगाई। अच्छा सब्जी मंगा के बस सीधे हमने सब्जी तैयार कर दे, चावल तैयार कर दे, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि सब जन ने अब तक खुद कलेक्शन करके सामूहिक रूप से, और फिर उसके बाद जो कार्यक्रम शुरू करो, और आप देख रहे हैं कि देखो बहुत सारे साधक चले आ रहे थे परिवार से जुड़े हैं, और आ रही कार्यक्रम में शामिल हो गए के लाने,
और आप आज औला नवमी को पर्व हम जैसे बता रहे हैं हरिओम भैया हरिओम हरिओम, तो ये सब जगह लगे हैं बिल्कुल पूरे। और आप देख रहे हैं कि हम बता रहे थे कि बर्तन अपने हाथ से खुद ही साफ कर रहे हैं। इतना अनूठा आसन शायद छतरपुर में का पूरे संभाग में नहीं है, अपने आप में लगा थे तो शोभामान है। ऐसे स्थान पर आके आज औला नवमी पर लोग अगर भोजन पानी कर रहे थे प्राप्त कर रहे परिवार के साथ आ रहे तो जाएगा अपने आप में बड़ी चीज़ है, देखने वाली समझने वाली चीज़ है। वहाँ पे सब आनंद ले हर साल खिलाने वैसे समिति के लोगों ने बताया कि हर साल ऐसा कार्यक्रम तक करने हैं। और तो भैया जी आश्रम से जुड़े मनीष भैया इनसे पूछे ले रहे हैं। मनीष भैया जो कार्यक्रम भाव आज मनीष भैया जो कार्यक्रम भाव अपनो भैया जो कार्यक्रम भाव अपनो तो आज कैसे का कार्यक्रम भाव जो भैया आज तक आंवला एकादशी है। हाँ बापू जी ने आंवला नवमी का आंवला मतलब नवमी तो आज तक आंवला नवमी के नीचे बताऊ थे कि बड़ी आते थे बापू जी ने सत्संग में भी बताओ है कि आंवला के नीचे बैठ के जो कोई भी बढ़िया प्रसाद खाते है तो उनको एक गाय दान करने को पुण्य प्राप्त होना है। अगर दो अगर ये पांच परिक्रमा करी जाए तो दो गाय दान करने को पुण्य प्राप्त हो। आंवला का भगवान विष्णु के मुख से निकलू है तो आंवला की शास्त्र में बहुत महिमा गाई है। और एक अपने ऋषि हते उनको नाम है तो अम्ल ऋषि ई नाम से उनको नाम ही है तू तो इसे आंवला की बहुत महिमा है। और इनको चमन प्लास भी बनत लोग चमन प्लास भी खाएं आश्रम में भी मिलत है इतने सभी ले जा सकत और घर पे भी जो कर सकत। इस बार जो कार्यक्रम भाव है अगले साल कैसी विस्तार से करवे की योजना है कैसी अगली बार हमारी समिति को जो सूझ बो है कि अपने की को प्रचार प्रसार करके और पूरे शहर से आह्वान करें कि आंवला नवमी अपनी में इतने पे सब लोग आए और बढ़िया कार्यक्रम करें और अपने परिवार का लेके आए। बहुत बढ़िया जय एक अच्छी योजना बता दी इनने कि आगे भी ऐसी योजना है कि हर साल इतने के आके और मतलब अगले साल से और बड़े स्तर से परिवार के सूचना करी जाए और सूचना करके उन्हें बताओ जाए कि भैया इतने परिवार से था और भोजन ग्रहण करे आंवला नवमी को पर्व इतने आश्रम में मनाए कैसे जो अलौकिक इतने दिव्यता है इतने के वातावरण में जो इतने मिठास है और सकारात्मक ऊर्जा जो इतने प्रभावित हो रही वो अपने आप में समझ भी देखे वाली है। और डब्बू महाराज खड़े इनसे ही पूछे ले रहे कि आज को भैया कार्यक्रम भाव है कैसी का योजना थी कैसे कार्यक्रम है आज के जो भैया इच्छा नवमी के दिन जो इच्छा नवमी मनाई जात आज जो भी पुण्य करता आदमी को पुण्य अक्षय मानो जात कहूँ छे ठणक वो नहीं होता है। और आज इच्छा नवमी के अवसर पर संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में इतने पर महिलाएं ने आके पूजन करूँ आंवला को और फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था भई। और आंवला तो वैसे ही आंवला और तुलसी धरती को वेद मानूंगा वो अपने आप में खुद एक वेद राज मानूंगा और आंवला के सेवन करे से बहुत आदमी का फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है देखो जो ने बहुत अच्छी बात बताई कि आंवला के पृथ्वी लोग को वैध मानूंगा आंवला और तुलसी इनके बिना आदमी का मानव स्वास्थ्य अधूरा है। आदमी आजकल बीमार है और बीमारी में केवल यही से बचत होते हैं आंवला से। हम एक बार फिर आपके लिए बात चल रहे होते हैं आंवला के नीचे जो पंगत चल रही अभी के बाद पुरुष वर्ग होगा महिला वर्ग के लाने हैं जो और महिला वर्ग तैयार के भोजन पानी प्रसाद लें। तो भैया अब जो हम पूरा कार्यक्रम तो आपको दिखा दो और देखो सेवा भी शुरू हो गई अतः जो आए हैं साधक लोग इन्हें लगो कि पेड़ सूख रहे हैं पेड़ में पानी नहीं है तो जब इनसे खुद सड़क चला के पानी से तराई सिंचाई भी करने लगे तो जो चीज़ें अपने मन से हैं। तो भैया जो हम आपको पूरा अनुपम दृश्य दिखा रहे हैं आपके कि लग रहा हो ईद में अपने आप में अनूठा है भैया सेवा। तो भैया अब हम ले रहे विदा और हम फिर आप सबसे मिलते रहे भैया। तो बुंदेली चुगली को यही प्रयास होता है कि भैया सब जने जो ऐसे कार्यक्रम घर बैठ के देख ले और घर बैठ के ना सिर्फ देखें बल्कि इस चीज़ की प्रेरणा लें कि ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो और शामिल होकर जो लाभ लें पुण्य लाभ लें और जो अच्छो भी लगे थे वे आके। भैया जयराम जी की राम राम भैया।